नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। अभी मैं आ गई हूँ नहा के। अभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आज का सुंदर ब्लॉग, और कैसा मेरा ब्लॉग लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं अपनी प्यारी सी बिटिया दीदी, बड़ी दीदी की लड़की रीता ने बरसात के दिनों में इतनी घास जम जाती, कितनी साफ सफाई रीता ने करके कैसे उसने रास्ता बना रखा, मैं आपको दिखाती हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो मित्रों, मैं दिखाती हूँ कौन सा रास्ता किस तरह से रीता ने साफ किया। ये हो रही हमारे यहाँ पर सुंदर सी घास। अभी मेरी बेटी और मैं काटेंगे घास सारी। ये अभी दिखाते यहाँ पर कैसे हम लोग साफ कर देते एकदम। ये भी मैंने मित्रों यहाँ पर ये कूलर अपने ससुराल से लाके, यहाँ पर सारा कूलर मेरे बड़े भैया ने लगाया है। बड़े भैया तो नहीं है अभी, लेकिन उनकी यादगारी सदा रहेगी। जब तक ये रहेंगे मेरे बड़े भैया की सारी बागवानी जीवन रखी, उसने हर जगह अपनी यादगारी छोड़ के। मित्रों, मैं वहां से गमले में से लाती थी, भैया यहाँ लगाता था। हमारा चाट न पड़े ज्यादा काट दिया करके, ज्यादा हो गया है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। वो पता चला है सांप आएगा तो फिर हो गई सिला के काटने का। अभी दिखाई दे रही नानी, दिख रही नानी ने काटी घास है ना। तो हम लोग तो गाजू काटा भी करते थे। एक दिन में हम लोग एक एक दो दो लूटे घास काटे। लूटे का मतलब बहुत सारा घास इकट्ठा करना होता था। दिन भर हम लोग काटते थे। अब फिर भी मेरी आदत अभी नहीं छूटी है काम से। इसलिए मैंने बहुत काम करा। मुझे बनाना दे, मुझे बनानी है। ठीक है, तू बनाएगा, तू दिखे बोला मैं घर जा रहा हूँ। हम यहाँ इतना काम कर रहे हैं, आप घर जा रहे हो। ये वाला भी काटे थे, तो कैसा लग रहा है मित्रों जरूर कमेंट करके बताना। 27 साल के बाद आज घास काट रही, लेकिन वही हाथ चल रहा है, वही हाथ से फटाफट वाला वही काम चल रहा है। तो अब हम लोग इधर से काटेंगे। जा क्यों जा रहा है, जा ये मेरी नानी घास काट रही है। देखो कैसे काटती है सिला नानी घास, देख सकते हैं आप लोग उल्टे हाथ से। आप भी बोलो के हो मेरी नानी घास काटती है। नानी अभी घास काटना भूली नहीं है, 27 साल के बाद घास काटी है आज, फिर भी वही हाथ चल रहा है। आप देखिए इधर देखिए आप लोग, ये तो अपना बचपन का काम कोई भूला थोड़ी जाता है। मित्रों ये देखिए कितना फटाफट मैं घास काट दे रही हूँ। ये देखो ऐसे ही काटते थे बचपन में हम लोग। ये कैसे काटे बउआ, ये देखो कितनी सुंदर घास हो रही है हमारे यहाँ। ये लोग सोच रहे कि सीला सब कुछ भूल चुकी है। मैं कोई भी काम नहीं भूली हूँ, मैं बचपन का सारा काम मुझे बन रही है ना, अभी भी सारा काम आता है। इधर मम्मा की तरफ भी दिखाओ, दोनों मौसी और बेटी घास काटते हैं। इधर मम्मा भी काटती है, बोलो आप बोलो दिशा। दिशा की मम्मा और मौसी काटते हैं यहाँ पर घास। देखिए आप, अभी मैंने पहले भी घास आपको दिखाई थी, और हम छक्का आपका दोनों, और मैं हूँ लेफ्ट हैंड। सब लोग देख रहे हो लेफ्ट हैंड ही हूँ मैं, बाएं हाथ वाली, और बाएं हाथ से मैं फटाफट कैसे काट देता। और मेरी सासू माँ भी मजाक समझती है जब मैं कहती हूँ दीजा मैं बहुत काम करती हूँ, बोलती हूँ ना दीजा कहती है सीधा गप मार।
मम्मी नम्मू घास फाड़ रहे, देखो घास तोड़ रहे नम्मू। हाँ, ये देखो हमारे नम्मू को भी देख सकते हैं आप, नम्मू क्या चल रहा है, नम्मी को देखो आप, ये नम्मू की मम्मा नम्मू की नानी खाती है घास और नम्मू देख रहा है, दिख ही रहा है वो तो। हमारा नम्मू बोलो, ये देखो मतलब एक दिन में हम कितना घास खाते, कितना लेकिन हम मौसी बेटी खा रहे हैं, हमको नरा देना कोई नहीं है, हम मौसी और बेटी दोनों मौसी बेटी खाते रहे वो काम का रही है। आज भी मेरा हाथ उतना ही चल रहा है जितना बचपन में चलता था। कटते है भाई इससे बहुत, वो हार्ड घास है ये। आप बोलो मेरी नानी क्या हो रही। मेरी नानी ने फटाफट काट दिया घास, मेरी नानी ने फटाफट काट दिए घास। मम्मा भी नाती, दोनों मौसी और बेटी आज कितने साल के बाद मिल रही, तू मेरी शादी के दिन आई थी ना, आज कितने साल हो गए जी, 12 साल के बाद, 12 साल आज मेरी बेटी की मेरी मुलाकात होगी 12 साल के बाद। ये देखो कोई भी मेरे बचपन के घास पाते में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वही हाथ चल रहा है जो बचपन में चलता था। लोग कहते ना हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो जानते, लेकिन हम लोग तो बचपन से ही बहुत मेहनत करी है, बहुत घास खाता है अभी भी हम लोग। अच्छी घास है मित्रों, आज खा तो तीसरे दिन बढ़ जाती है, साफ होगा तो देखो। हो मित्रों ये तो गाजो मांग ठेलो हमूलियो, कदू भागा ठेलो हमूलियो, तो कैसा लग रहा है हमारा ये ब्लॉग आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इधर हमारी प्यारी सी बच्ची दिशा, दिशा कह रही नानी बहुत अच्छी घास काटी, बहुत अच्छी काटी क्या। हाँ आ रहा है नानी को घास काटना। हाँ फिर तुम तो ये है इनकी नानी, आप अपनी मम्मा को भी दिखाओ, आपकी मम्मा तो ज्यादा मेहनत। वो देखो उधर मम्मा काट रही है घास, अंगुली लग गई बेटी, ये देखो लेकिन हाँ इधर देखो मेरी बेटी अब पुए बांधने लग गई, पुए बांधे बेटी ये, हाँ बांधे बेटी ऐसे, अब मेरी बेटी बांध रही है पुए, मौसी सिर में रखेंगे गहरी। तो मित्रों ये है हमारा पहाड़ का काम, घर में ही सब कुछ, इतनी अच्छी घास घर में हो रही है, एक हफ्ते में इतनी बढ़ जाती है, इतना सारा काट दिया हमने, देखो आप ये पीछे 2-4 पेड़ खड़े रख दिए सब कट नहीं करते करके। अब मेरी बेटी बांध रही पुले, ये पू बड़े बेले तुम होगा देखो नल्ला, पहले पू बांधनी इससे बच जा रहा बेटी। तो मित्रों कैसे यहाँ पर पुए बांधते है देखो, हम ऐसे बांधते थे ये देखो, ऐसे इसी के घास से पुए भी बच जाते हैं, ये मोड़ा बस मोड़ के ये बच जाते हैं। आ इतने सालों के बाद दोनों मौसी बेटी को मुलाकात हो रही, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुशी होती है अपने बच्चे, और कोई चीज हम लोग भूले ही नहीं है वो काम। रीता भी मेरी गुड़गांव में रहती है, यहाँ नहीं कि घर में रहती है, और लेकिन काम के दिनों में हेल्प करने के लिए आती है अपने ससुराल, रीता का ससुराल है नाकोट, लोहनी लोग हैं, और काम के दिनों में यहाँ पे आती, फिर बच्चे पढ़ते हैं अभी स्कूल खुलने वाला, फिर बेटी चले जाएगी गुड़गांव, जब मैं गुड़गांव आऊंगी अपने बेटे के पास वहां भी मैं रीता से मिलूंगी, रीता को वहां बुलाऊंगी। बेटी अब मैं जब गुड़गांव जाऊंगी, अभी मेरे बेटे का मकान का गृह प्रवेश है अगस्त या सितंबर में, फिर मैं रीता को वहीं बुलाऊंगी, रीता और मैं वहां खूब मस्ती करेंगे, खूब भजन वजन गाएंगे। तो मित्रों ये हमारा रोज का ब्लॉग आप देखिएगा, आज मैंने कुछ अलग से करने का देखा, मैं कहा हम लोग भूले नहीं है, कितने लोग बोलते ना हमें तो कुछ आता नहीं है, हमने तो काम, हमने तो बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, फिर पहाड़ों में हमने कितनी मेहनत की। जैसे चोरी करके ले जा रहा वो,
अब चुपचाप छुप रहा वहां पर बारिश हो रही करके वो। वहां से सारा बिस्किट भी चोर के वो भाग रहा अब तो उसके मुंह में लगा है ना वो तो ये खानो जाए उघा खानो शायद वो तो वो जा वो पूरा पैकेट ले जाबे खा ले जा रहा हूं पूरे वो फूल हो गए ते वो फूल वो फलता ले ले जा लगी बता हाथ बड़ी सला रहो मेरी हैं हाथ को तो सला रहो पता लबे इतनी बीमार हो रही फिर भी हंसाती बंदर की एक्टिंग करी देखो इतनी एक्टिंग वाली है मम्मी मेरी हैं आगे में बैठा था तो मित्रों बहुत मजा आ गया, मेरी मम्मी बहुत मजा आ गया। देखो कह रही तू सोई थी कल बंदर आया था, कह रही आगे मैं ऐसे कर रहा था, कह रही यहाँ भी बंदर आने लगे। बंदर चाहिए लंगूर लंगूर वो लंगूर तो एक्चुअली एक्टिंग कर रहा था, कह रहे आ तो ऐसा यहाँ बहुत ही अच्छी धूप आई मित्रों, सारे कोल ओल सब धो रखे, देखे सब चादर भाभी ने सब धो के सब कर रखे कपड़ों की धुलाई तो ये कर दे लोगो तो देखो पूछ देखो लंगूर की यार बाप रे पूछ ले ले वो पीठ खुद वो देखो वो चिड़ा रहा उसको देखो तो वो डॉगी उस वो भाग गया वो कैसे देखा है मुझे पेड़ में से ये डॉगी कहाँ से कहाँ भाग गया इसके लिए जा मेरी भी पाँव मम्मी अभी इसकी एक्टिंग कर रही थी इतने में ये बुलाया जैसा आ गया देखो लंगूर तो है ही है यहाँ न बंदर तो है ही है यहाँ पर लंगूर भी आने लग गए ये वो डॉगी देखो ये देखो डॉगी की डर से ऊपर चढ़ गया वो भाग गया वो हू कर वो देखो डॉगी पीछे पड़ गया उसके वो घास देखो हमारे यहाँ है कितनी सुंदर घास हो रही है मित्रों यहाँ हमारे खेतों में पहले बहुत सारे तिमिल के पेड़ थे अब इतनी सुंदर घास हो रही है कहाँ तक चला गया उसकी आवाज सुनाई दे रही है आपको उसका पीछा करते हुए डॉगी कहाँ तक चला गया कालू हमारा देखो आप कालू दिन भर हमारे घर की पहरेदारी करता है रात को अपने घर चला जाता है तो पुराने पत्थर के मकान मित्रों ऐसे होते थे भैया परसों घर आया था भैया पूरा यहाँ पर पन्नी डाल के गया ये अंदर बारिश आ रही थी ये देखिए ऊपर से कितना सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा वो दिख रहा डोनू का गांव जो डोनू बोलते हैं दसौली से ऊपर डोनू 10 गांव है दसौली में तो मेरी फ्रेंड उषा का घर भी दिखाई दे रहा वहाँ ऊपर चढ़ ऊपर से उधर पहाड़ सुंदर सा दिख रहा